तुम सब लोग आगे निकले गए, हम पीछे रह गए। उनने हमारी से पूछ रही थे, तुम सब लोग एक ही काम रहा था या तुम अलग अलग रहा था? जवाब दिया, हम तुम आगे आगे चलो, तब हम देख रहे तुमसे कोई पूछ सको या तुम का पूछ सको। आगे कर लिया। जिस गली में जा रहे थे कांधे की, उसी गली में कंस को धोबी आए। शराबी है पास पूरी गली में अकेले ही बने, बाकी घूम जाकर श्याम सुंदर साहब ने पहुंच गए। जवाब दिया धोबी भैया, कभी गल ना दूर आना, दिखाई नहीं देता क्या मैं कंस का धोबी हूं? श्याम सुंदर बोले, तुम कंस के धोबी हो और मैं कंस का मेहमान। मेहमान हूं तो क्या करें, अपने सर पे बिठाने तो रहे। ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा, समझे? तो श्याम सुंदर कहने लगे धोबी, खत्म हो गया। और जो धोबी ने सब का धनिया डाल के बाद, ये धोबी वही था त्रेता था, सीता को दोबारा वनवास दिलवा दिया था। श्री राम ने ये कहा, अभी तो मर्यादा के बंधन में है, तो अपने में जब हम कृष्ण बनेंगे तो उससे बदला जरूर है। कन्हैया बोले, ग्वालों से खड़े खड़े कहा देख रहे, बस लाद कर लो। कंस का दर्जी आया, इसने सबके वस्त्र फिट किए, ये भी दर्जी त्रेता वाला ही था। श्री राम का जब विवाह हुआ है तो इसने अपने हाथों से वस्त्र बनाया। एक बात होती श्री राम की तरफ देख करके, अगर प्रभु राम को ये वस्त्र हम अपने हाथों से पहनाते तो फिर कहना ही क्या। श्री राम समझ गए, बोले अभी नहीं, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तो तुम अपने हाथों से ही हमें वस्त्र को देना। कन्हैया ने उसे आशीर्वाद दिया, ये बात से आगे बढ़ेंगे। मधुरा बोला, बलराम भैया हाँ, इतनी दूर आगे चले कोई फायदा ना है भाई, श्याम थोड़ी दूर आगे चले कितने अच्छे अच्छे कपड़ा मिल गए, बोले ध्यान तो वही चलो तैयारी करो। जिस गली में जा रहे थे क्या देखा, उसी गली में कंस की दासी आ रही, एक हाथ में चंदन को कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, नचे नचे आए रहे, सुंदर कितनी है, सुंदर था कि तुम्हें दिखा भाई। एक हाथ में चंदन को कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, सामने पहुंच गए। कन्हैया ने पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम को भेजा है, जाता नहीं हो, मैं कंस की फिल्म करने जा रहा हूं, मैं कंस की दासी। श्याम सुंदर बोले, बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए, कंस के मेहमान हम सब लोग हैं, ऐसो करो पहले हमारे सबके तिलक लगाओ, बाकी बाद में जाओ।
और जैसे ही मनसुखा ने सुनी सबके तिलक लगाओ सुबह ने लाठी उठाई बहुत पूरी करो बहुत जब आप तुम्हें तिलक करवाई हो तो हमारे नंदी के ना चलिया बताए देता है श्याम सुंदर बोले मरो अरे अभी से क्या कर रहे हो मैं बता दो ना क्या करे भाई कम से जब मारा जाएगा तुम बता दो अभी बैठ जाओ बताया जब आप दिया है देखो तुमसे और तो कोई तिलक करवाए ना तुम हमारे तिलक लगा खुबजा जो है कन्हैया के तिलक लगाए थे कि तैयार वहीं लेकिन उचक उचक के रह जाती माफी तक ना पहुंच जाती तो श्याम सुंदर ने देखा खुबजा बड़ी परेशान है अपने पैर का अंगूठा खुबजा के पैर पर रखा थोड़ी से थोड़ा हाथ लगाया और जैसे ही झटका दिया सो केली हो रही है।